दोस्तों आज वीनस की फिर से बात करने वाली हूँ। वीनस ऑलरेडी से ट्रांजिट कर रहे हैं इन लिब्रा, खुद का स्वयं का साइन है, बहुत पावरफुल पोजिशन में इस वक्त वो काम कर रहे हैं और 13 अक्टूबर तक वो वहाँ पर रहने वाले हैं। लेकिन एक बड़ा जो ट्रांजिट होने वाला है वो है कि वीनस स्वाति नक्षत्र में ट्रांजिट कर जाएंगे 24 सितंबर को और वहाँ पर वो रहने वाले हैं 5 अक्टूबर तक, यानी कि अराउंड 12 से 13 दिन का ये पीरियड रहेगा। ये इतना इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट है क्योंकि जब प्लेनेट अपने ही स्वयं के जोड़ियक में है और जब वो किसी पर्टिकुलर नक्षत्र में ट्रांजिट करते हैं तो उसका इफेक्ट बहुत अलग तरीके से हमें मिलता है। 12 दिन का बहुत छोटा पीरियड है, बट दिस पीरियड इज कैन बी कि आपकी लाइफ को बदल दे, स्पेशली इन योर रिलेशनशिप। स्वाति नक्षत्र की थोड़ी बात कर लेते हैं। स्वाति नक्षत्र इज ए नक्षत्र कारका ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब एक आज़ादी का नक्षत्र है। तारों का समूह है, एक प्लांट यानी कि एक किसी चीज़ों की शुरुआत, या आई कैन से एक छोटा सा पेड़, छोटा पेड़ होता है जब बड़ा पेड़ बनता है, तो एक चीज़ों की शुरुआत, आज़ादी, चीज़ों को अलग हटाने का तरीका। उसके अलावा स्वाति नक्षत्र, इस नक्षत्र का जो प्लैनेट है वो है राहु। आज़ादी, बदलाव, पैटर्न से परे सोचना, रेबेलियस क्वालिटी। और अब वीनस जो है वो इस नक्षत्र में आने वाले हैं। वीनस जैसे रिलेशनशिप का मेन कारक है क्योंकि लिब्रा में जब है तो आपकी रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा इस वक्त इफेक्ट करते हैं। 12 दिन का छोटा पीरियड है, सारे जोड़े साइन में बताने वाली हूँ क्या असर होने वाला है। इस समय वीनस अपनी रिलेशनशिप में स्पेशली अपनी आज़ादी को ढूंढने वाले हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। सबसे बात करते हैं एरीज वालों की। एरीज वालों की ऑलरेडी ट्रांजिट कर रहे हैं आपके सेवंथ हाउस में। सेवंथ हाउस में लिब्रा ऑलरेडी से कालपुरुष कुंडली में उनको दिया गया है स्थान। इस समय आप अपने रिलेशनशिप को एक नए आयाम देंगे। इस समय हो सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप को से आज़ादी चाहें, आप चाहें जो ऑलरेडी से मेरा रिलेशनशिप चल रहा है उससे परे मैं कुछ और सोचूं, पैटर्न से परे। अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है कि इस समय आप किसी ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में जाएं, या हो सकता है कि आपकी शादी ऐसे इंसान के साथ कोई आपको प्रपोजल मिले या प्रपोज करें जो कि बिल्कुल पैटर्न से परे हो, सम लाइक कोई जिसकी फॉरेनर हो, जैसे बिल्कुल उसके अब्रॉड साइड में रहने वाला, लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, कास्ट का दूसरा कास्ट का इंसान है, बिल्कुल अलग। हो सकता है कि आप इस समय ऐसे इंसान के साथ में जाएं रिलेशनशिप या शादी के बारे में सोचें। उसके अलावा अगर ऑलरेडी से आप मैरिड हैं या कमिटमेंट में हैं, हो सकता है कि इस समय आपको लगे कि जो ऑलरेडी से मैं जिस इंसान के साथ में हूँ क्यों इज़ नॉट अ कम्फर्टेबल पोजिशन में आपको फील नहीं हो, आपको लगे कि नहीं मुझे कुछ और चाहिए, पैटर्न से परे चाहिए, ये इंसान मेरे लायक नहीं है या मैं इंसान के लायक नहीं हूँ, या हम दोनों की जो कंपैटिबिलिटी इज़ नॉट सुटेबल फॉर ईच अदर, कैन बी पॉसिबल। इस समय आप अपने रिश्तों से आज़ादी की उम्मीद करें। ये रेली एरीज वालों की बात करी, आई एम नॉट टॉकिंग फॉर एवरीवन, बट इट कैन बी पॉसिबल कि इस समय जो हालात बन रहे हैं वो ऐसी आपको मिल सकता है रिजल्ट। उसके अलावा इस समय आप हो सकता है कि अपने पार्टनर के साथ विदेश यात्रा करें, कहीं और जाने की सोचें, घूमने फिरने की सोचें। इस समय आपके मन में मल्टीपल पार्टनर का विचार भी आ सकता है, बट इस समय बहुत आज़ादी वाली स्थिति आपको फील हो सकती है, स्पेशली रिलेशनशिप की बात करें तो डिफरेंट पैटर्न से परे सोचेंगे, सडनली अलग हट जाना, नया फ्रेंड, नया पार्टनर मुझे चाहिए, इट्स नॉट सुटेबल फॉर मी, और मैं आई एम नॉट कम्फर्टेबल इन दिस रिलेशनशिप, क्या बहुत तरह की चीज़ों की बदलाव की अब आएगी। इस समय आपको फ्रीडम चाहिए अपनी रिलेशनशिप से। उसके अलावा उसके बाद आप सोचेंगे मैं स्वयं अपने लिए नया पार्टनर लेके आ सकता हूँ, आई डोंट नीड एनीवन इन माय लाइफ। टॉरस वालों की बात करी हूँ, आपके ट्रांसफर कर रहे हैं सिक्स हाउस में। इस समय आप अपनी रूटीन की जो भी आपकी, क्योंकि सिक्स हाउस है लिब्रा इज़ देयर, बैलेंसिंग बनाकर चल रहे हैं, क्योंकि लिब्रा कार का ऑफ द बैलेंसिंग, तराजू होता है ना, तराजू सेंटर, ठीक है, तराजू में दोनों चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए तब वो काम करता है। इस समय आप अपने प्रारब्ध कर्मा प्लस अपने नेटवर्क, या फिर अपना प्रारब्ध कर्मा, देखिए मुझे आज़ादी चाहिए अपने प्रारब्ध कर्मा से, बहुत ज़्यादा मैं आई एम इन्वॉल्व इन इन दिस थिंग्स, मुझे इस समय जो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है सिक्स हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, आपका दिमाग अपने प्रारब्ध कर्म में जा रहा है, बट अब आपको चाहिए फ्रीडम, अब आपको चाहिए वो चीज़, ठीक है मैं बैलेंस कर लूँगा, आई विल डू द प्रारब्ध कर्म ऑल्सो, बट कहीं ना कहीं मुझे मेरा नेटवर्क भी चाहिए, मुझे मेरी वो चीज़ें भी चाहिए कि जहाँ मैं, मेरे को प्रतिष्ठा मिले, वो चीज़ें भी चाहिए जहाँ मैं अपने डिज़ायर्स को कम्प्लीट कर सकूँ, फुलफिल माई डिज़ायर्स, इस तरह की चीज़ें इस समय आपके दिमाग में आएगी। और कहीं ना कहीं इस समय आप चीज़ों को बैलेंस करेंगे, हो सकता है प्रारब्ध कर्म से पीछे हटे, या आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, रूटीन जो भी आपका काम है
डे बाई डे जो आपका काम है उससे आप बैलेंस बटाने की कोशिश करेंगे कि मैं बहुत ज़्यादा स्टक हो गया हूँ, अपनी स्टक पोजिशन से इसमें बाहर आने की कोशिश करेंगे और एक अलग तरह का नेटवर्क में जाना या लोगों के साथ मिलना जुलना या फिर अपना एक ग्रुप बनाना जहाँ की यू फील वेरी कंफर्टेबल पोजिशन में आप जाने की सोचेंगे, इस तरह का फ्रीडम आप फील करेंगे या ट्राई करेंगे इस चीज़ों को बैलेंस बिठाएंगे। जेमिनी वालों की बात कर रही हूँ, 12 दिन में आपका असर होने वाला है कि लिब्रा आपके फिफ्थ हाउस में इस समय ट्रांजिट कर रहे हैं। इस समय आप 200% है कि आप इस समय डेटिंग करने की सोचें, क्योंकि आपको लग रहा है कि मेरे को जो फिफ्थ हाउस का आपका फूड आपकी लाइफ का फिफ्थ हाउस आपका वो जगह है जहाँ आपको बहुत एनर्जी मिलती है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि मुझे कोई इंसान चाहिए जिससे मैं प्रेम कर सकूँ, जिससे मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ नए आयाम मिल सके। हो सकता है कि अब तक क्योंकि जगह जो है सन की है, इंसान का थॉट प्रोसेस ऐसा होता है कि फेम डी फेम ये सही है गलत है, यहाँ बहुत ज़्यादा सोच विचार करता है, लेकिन वीनस है और लिब्रा प्लेस है यहाँ पर, कहीं ना कहीं आप इस पर डेटिंग करने की सोचेंगे, यू विल फाइंड सम वन कोई ऐसा इंसान जो आपकी ज़िंदगी में आए, आप उसे प्यार करें वो आपसे प्यार करें, आपको इस तरह की चीज़ें चाहिए जिससे कि आप अपने प्रेम संबंधी चीज़ों को विजन दे सकेंगे कि मेरी लाइफ में कोई इंसान आएगा फिर मैं उससे शादी करूँगा, ठीक है। इस वक्त हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस से कोई इंसान आपकी लाइफ में आए और आप उसे डेटिंग करें, आपको कहीं ना कहीं अपना फ्यूचर सेट होता हुआ नज़र आएगा, अपने जो वो नहीं कि जॉब करनी है, एक विजन है मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे सिर्फ अपने काम करना है, क्रिएटिविटी दिखानी है, उन चीज़ों से परे कहीं ना कहीं आप लव्स की तरह भी एंट्री करने वाले हैं। एक और चीज़ हो सकता है कि आप अपने पैटर्न से चीज़ें सीख रहे हैं या पैटर्न से पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, सडनली आपको लगेगा कि नहीं आप मुझे डिफरेंट चीज़ें करनी है, क्रिएटिविटी जगानी है, जॉब हो तो मेरी मनपसंद हो, बिजनेस हो तो मेरे मनपसंद का हो, एक नया डिफरेंट टाइप का बिजनेस हो, पढ़ाई हो तो वो पढ़ाई हो जहाँ की मैं अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकूँ, आज़ादी फील कर सकूँ, पैटर्न से परे जा सकूँ, इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकूँ, इस तरह की चीज़ें इस समय आपके मन में आएगी और हो सकता है कि इस समय आप अपने फेम डी फेम से परे सोचेंगे इस चीज़ को। कैंसर वालों की बात करूँ, आपके फोर्थ हाउस में लिब्रा ट्रांजिट कर रहे हैं वीनस, इस समय सडनली यू फील दैट कि आई एम वेरी मच स्टक विथ माई वो इन कर्मास थ्रू माई मेरे जो घर के जो कर्मास हैं, या मैं जो फोर्थ हाउस है, फोर्थ हाउस क्या है आपका घर है, सिक्योरिटी है, और यहाँ पर इंसान बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी भी फील करता है क्योंकि उसको खो जाने का डर रहता है ना चीज़ों को। इस समय आप अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाएंगे, इस समय सोचेंगे कि ठीक है इट्स ओके जो भी है चाहिए, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करेंगे रिगार्डिंग योर आपकी एजुकेशन की बात कर लूँ, आपके ज्ञान की बात कर लूँ, पढ़ाई की बात कर लूँ, कहीं ना कहीं जो एक पैटर्न बना हुआ है ना कि आपको यही पढ़ाई करनी है, आपको ऐसे ही जीना है, आपको ऐसे ही चलना है, अच्छा बुरा धर्म अधर्म, उससे सडनली आप परे सोचेंगे, सडनली आपको लगेगा कि नहीं मुझे मेरे फ्रीडम के हिसाब से घर में रहना है, मुझे ये भी खाना है, मुझे वो भी खाना चाहिए, मुझे मेरे स्टाइल से जहाँ इच्छा वहाँ सो गए, जो जहाँ इच्छा हुई जिस कॉलोनी में मकान ले लिया, सडनली बाइक खरीद ली, आई वॉन्ट फ्रीडम ना बाइक चलाऊँगा, मतलब होते ना कि एक मन से फोर्थ हाउस योर मन पीस ऑफ माइंड, उससे आप सडनली आपको होगा कि नहीं कोई इनसिक्योरिटी नाम की चीज़ नहीं है, आई कैन सिक्योर माई सेल्फ, और आप पैटर्न से परी चीज़ों करेंगे, सडनली आप लोगों कि मैं घर में ना मैं हॉस्टल में रहूँगा, सडनली मैं तो पीजी में जाके रहूँगा, मुझे घर में नहीं रहना, या घर में भी रह रहा हूँ तो मेरे हिसाब से आपके पैटर्न्स चेंज होंगे, इस समय थॉट प्रोसेस चेंज होगा इस समय, ठीक है, बदलाव करेंगे आप बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, बहुत ज़रूरी नहीं है कि मुझे धर्म के अनुसार रहना चाहिए, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, परे सोचेंगे इस समय। हो सकता है कि आप सडनली कोई फॉरेन या कहीं और जाकर के घर को बनाना सोचें कि मुझे तो बिल्कुल अलग जाके रहना है, शहर से अलग रहना है, या कहीं और लैंड लेकर के मुझे वहाँ पर मकान बनवाना है, इस तरह की चीज़ें आप चेंज करने वाले हैं, रहने के तरीक़ों को भी चेंज करें, पैटर्न है जो कपड़े में पहनता था रूटीनली नहीं, आई जस्ट वॉन्ट टू चेंज दिस, अपना फर्नीचर चेंज कर लिया, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आप बदलेंगे इस समय, पैटर्न चेंज करेंगे। हो सकता है कि इसकी वजह से आपके घर वालों के साथ आपका अनबन हो जाए कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा ना, इट्स माय स्टाइल नाउ, मुझे कैसे रहना है कैसे जीना है वो आपकी स्टाइल स्वयं की इस समय आप स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ इस समय कि इस समय आपका मनी मैटर्स है उसको भी आप बहुत हाई लेवल पर सॉर्ट आउट करने वाले हैं, आपका नेटवर्क और आपका पैटर्न पैसे कमाने का उसको भी चेंज करेंगे, हो सकता है आप घर से कोई काम करना स्टार्ट कर दें, कैन बी पॉसिबल। अब बात करती हूँ मैं लियोज वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं आपके थर्ड हाउस में,
इस समय आप कुछ ऐसी चीज को सीखेंगे जो कि आप दुनिया से छुपा करके रखना चाहते हैं, कुछ भी ऐसी विद्या, तांत्रिक विद्या, क्योंकि शुक्राचार्य है वीनस, ठीक है, वो हमेशा इस तरह की चीजों को सिखाते हैं, तांत्रिक विद्या, सम एस्ट्रोलॉजी, सडनली आपका इन्वॉल्वमेंट हो जाए और वो स्किल्स को मतलब मुझे स्ट्रॉन्ग करना है, कुछ मुझे ऐसा करके दिखाना है दुनिया को कि मैं क्या हूँ, अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए, फ्रीडम के लिए, ठीक है, ऐसी चीज़ों को सीखेंगे। उसके अलावा इस समय आप कोई ना कोई ऑनलाइन चीज़ें सीखना स्टार्ट करेंगे, हो सकता है कोई एक्टिंग क्लास ज्वाइन कर लें आप ऑनलाइन, हो सकता है कोई डांसिंग है कुछ है, और उसको छुपा के रखेंगे कि मुझे किसी को बताना नहीं है, दिस माई पर्सनल थिंग, मैं चाहता था ये सीखना, ठीक है। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आपका नेटवर्क बढ़े, कम्युनिकेशंस बढ़े और आप ऑनलाइन या नेटवर्क में कोई नई ऐसी चीज़ों को सीखना शुरू करें जो कि पैटर्न से परे होती है, ठीक है, जैसे एस्ट्रोलॉजी है, जैसे हमारा पैटर्न है कि हम इंडियंस हैं तो हमें एस्ट्रोलॉजी पे जाएंगे, सडनली आपको टैरो सीखना है, सडनली आपको कुछ और ऐसी चीज़ सीखनी है जो कि हमारे इंडिया में सिखाया नहीं जाता या फॉरेन कंट्री से आई हुई चीज़ है, इस तरह की चीज़ें आप करने वाले हैं। और ऐसे ग्रुप में भी जा सकते हैं जो कि बहुत ही डिफरेंट ग्रुप होता है, उनके साथ कम्युनिकेशन करना, कोई लैंग्वेज सीख सकते हैं इस समय ताकि आप बहुत बेटर तरीके से कन्वर्सेशन कर सके विद द अदर्स पीपल, डिफरेंट कम्युनिटी के लोगों के साथ ट्रिप भी लगाएंगे इस समय अलग जगह, बट ये सब चीज़ें आप छुपा के रखने वाले हैं, हिडन थिंग्स रहेंगी आपकी लाइफ की कि नहीं मुझे किसी को ये बताना नहीं है। वर्गोस वालों की बात कर रही हूँ, आपके लिए ट्रांसिट कर रहे हैं वीनस सेकेंड हाउस में। इस समय स्वाति नक्षत्र में आप फ्रीडम पाएंगे आपके पार्टनर से, कहीं ना कहीं आपको इस समय लगेगा कि मुझे कोई, आपका जो थॉट है ये आपका सेकंड हाउस में लिब्रा है, कहीं ना कहीं मनी मैटर्स देयर, फैमिली इज देयर, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी इज देयर, योर फूड इज देयर, आपका एक पैटर्न इज देयर, योर आपके कुटुंब का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी इज देयर, उन सब चीज़ों को निकाल करके अब आपको डिफरेंट तरीके की चीज़ें करेंगे। हो सकता है कि इस समय आप अपनी फैमिली के बिजनेस से बिल्कुल परे अलग तरह का बिजनेस स्टार्ट कर लें, या फिर आपकी फैमिली चाहती है कि आप अरेंज मैरिज करें, इफ़ यू आर सिंगल तो आप कहेंगे नहीं मुझे लव मैरिज करनी है। इस समय आप अपनी फैमिली को अपने बागी तेवर दिखाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इस समय आप अपनी पब्लिक इमेज पर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे कि मेरी पब्लिक इमेज कैसी है, मैं कैसा नज़र आती हूँ, दुनिया मुझे किस तरह से देखती है, और उसकी वजह से आप खर्चा भी करेंगे, उसकी वजह से पैटर्न से परे कपड़े पहनना, पैटर्न से परे अपना मेकअप करना, दिखने में पर्सनैलिटी को चेंज करना, फूड को चेंज करना, सडनली आप हो सकता है कि कोई विदेशी खाना में इन्वॉल्व हो जाए कि मैं तो फॉरेन की वो चीज़ें ही खाता हूँ, वही मुझे चाहे ऑनलाइन मंगानी पड़े, आई वांट टू ईट दैट थिंग्स ओनली, इस तरह की चीज़ें आप करने वाले हैं और उसमें आप खर्चा करेंगे बट अपने आप को बदलेंगे, अपनी पर्सनैलिटी को बदलेंगे, अपनी फैमिली को बागी तेवर दिखाएंगे और उस वजह से आपका खर्चा भी होगा। सडनली आप लोग आपको देखेंगे तो ये तो अलग से रहना लग गया, अलग कोई रिसम, फॉर एग्जाम्पल कोई लेडी है वो साड़ी पहनती है और सडनली आप देखेंगे वो एकदम वेस्टर्न वाले कपड़े पहनने लग गई है, उसको वार्डरोब बदल दिया उसने, सेकंड हाउस आपका तन भाव है, दिखने में आप कैसे दिखते हैं तो आप उस तरह से दिखना आप शुरू करने वाले हैं। लिब्रा वालों की बात करी हूँ, आपके तो फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। इस समय आप का जो थॉट प्रोसेस है ना, सबसे पहले तो आप अपने दिमाग को, थॉट्स को, विचारों को पंख देंगे। स्वाति नक्षत्र है, राहु का नक्षत्र है, राहु क्या है, राहु इल्यूजन में ले जाता है इंसान, ठीक है, एंड वीनस इज वेरी कंफर्टेबल इन स्वाति नक्षत्र क्योंकि राहु और वीनस दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं, दोनों ही फीमेल प्लैनेट्स हैं और दोनों ही आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ देते हैं, आपको फैशन सिखाते हैं, आपको अट्रैक्टिव बनाते हैं। इस समय आप स्वयं को एक आज़ादी वाली स्थिति में लेकर के जाएंगे, आपका थॉट प्रोसेस चेंज होगा, पर्सनैलिटी बदलेगी, जो आप पहले सोचते थे ना पैटर्न में, सही गलत, अच्छा बुरा, धर्म अधर्म, कैसा दिखना है, नहीं नहीं डरना, सोसाइटी, ऑल दिस थिंग्स, सडनली आपको लगेगा कि नहीं ये सब बेकार है, फर्स्ट हाउस में वीनस है, सब बेकार, कोई मतलब नहीं, मुझे मेरे स्टाइल से रहना है, मुझे मेरा थॉट होना चाहिए, चाहे मैं आपके बिजनेस की बात कर लूँ, चाहे आपकी पढ़ाई की बात कर लूँ, जॉब की बात कर लूँ, आपके रिलेशनशिप की बात कर लूँ, मनी मैटर्स की बात कर लूँ, किसी भी चीज़ की बात कर लूँ, आप अपनी होरोस्कोप के जितने भी फील्ड्स हैं उन सारे फील्ड्स को इस समय नई दृष्टि से देखना शुरू करेंगे और उन सबको बदलेंगे। सडनली आपको ये पैटर्न चेंज हो गया, जो इंसान रोज मंदिर जाता था, पढ़ा वो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करता, सडनली ठीक है भगवान है नहीं, इट्स ओके, चलो अब बहुत कुछ और कुछ बदलना है, सडनली वार्डरोब चेंज हो गया, सडनली बालों का कलर चेंज हो गया, सडनली आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो गया,
अलग तरीके से सोचने लगे और सडनली आप स्वयं के बारे में सोचने लगे। इस समय आप अपने प्रारब्ध कर्मा को नए आयाम देंगे। इस समय आप सोचेंगे कि आई एम स्टक और नॉट। सडनली आप बोलेंगे नहीं, ठीक है, लेट गो करेंगे चीज़ों, मुझे वो चीज़ें चाहिए नहीं जो मुझे स्टक करती, मुझे वो चीज़ें चाहिए नहीं जो मुझे परेशान करती, क्योंकि आपको तो पंख मिल गए। सडनली आपके बागी तेवर निकल करके आने वाले हैं। स्वयं के बारे में सोचना, अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचना, मैं कैसा दिखता हूँ, मेरा मुझे क्या चाहिए, मेरे को क्या बेटर तरीके से कपड़े होने चाहिए, मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के अंदर एंट्री आपकी होगी और वो चीज़ें एकदम सडनली आप करने वाले हैं। दैट इज़ अ वेरी आई कैन से ट्रांसफॉर्मेशन आपको इसमें फील होगा। मैं बात करूँ इसमें लिब्रा जोन की, इस 10 दिन के अंदर आप काफ़ी चीज़ों को बदल लेंगे हाई लेवल पर, कुछ चीज़ें छोड़ भी देंगे, इट्स ओके, लेट गो। स्कॉर्पियस वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांसिट कर रहे हैं वीनस इन 12th हाउस। वीनस इज एग्जॉल्टेड इन 12th हाउस होते हैं, ठीक है, अपने ही घर में बैठे हुए हैं लिब्राज में। इस समय 200% है, आप कोई ऐसी पढ़ाई या कोई ऐसी जॉब या कोई बिजनेस या कोई सब अपना जो विजन है या आपका जो फ्यूचर है उसको आप देखेंगे कि मुझे अब जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर मुझे रहना ही नहीं है। आप इस समय अपने घर को, अपने जो आज तक जो करते चले आ रहे हैं उन सब चीज़ों को छोड़ करके कहीं और जाने की सोचें। अपनी चीज़ों को बड़े लेवल पर आप इसमें चेंज करेंगे। हो सकता है कि आप फॉरेन में सेटल होने की सोचें इस सब, या आप जहाँ रह रहे हैं उस शहर को छोड़ने की सोचें। बहुत बड़े लेवल के इसमें आप बदलाव करेंगे, आपको लगेगा कि मेरा फ्यूचर कहाँ पर है, अपने फ्यूचर को देखेंगे। उसके अलावा इस समय आप सडनली कोई नया आई कैन से नेटवर्क में जा सकते हैं या सडनली कोई एडिक्शन इस समय पाल सकते हैं, क्यों, बिकॉज यू वॉन्ट टू कम्फर्टेबल ओवर देयर। वो तो ना रूटीन में जो कर रहा हूँ चलता चला जा रहा है, ये भी करना है वो भी करना है, मतलब जो आज पैटर्न जो है, सडनली आप कहेंगे कि नहीं अब पैटर्न बदलेंगे, अब सब कुछ बदल देंगे। आप कोई एडिक्शन में चले जाना, सडनली किसी कोई इंसान को आपकी लाइफ में ले आना, डेटिंग करना शुरू कर देना, सब एडिक्शन पाल लेना, अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर भी काम कर सकते हैं इस समय आप। हो सकता है कि इस समय आप कोई ऐसे इंसान से रिलेशनशिप में चले जाएँ जो कि नहीं जाना चाहिए था, कैन बी पॉसिबल, बट यू आर कंफर्टेबल ओवर देयर। 12th हाउस में वीनस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा करना, बहुत सारी शॉपिंग कर लेना, फॉरेन की चीज़ें खरीदना, फॉरेन की कपड़े खरीद लेना, फॉरेन में बहुत सारा खर्चा करना, या फॉरेन की ट्रिप लगाने चले जाना। आई एम गोइंग फॉर अ ट्रैवलिंग, गो टू हेल एवरीवन, मुझे मतलब ही नहीं, मुझे बहुत स्टक हो गया हूँ, मुझे अब जाना है, इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। उसके अलावा हो सकता है कि इस समय आप जो भी आप रूटीन काम करते हैं या बिजनेस जॉब जो भी आपका करियर है उसको भी आपको लगेगा कि नहीं मुझे अब ये सब चीज़ों को छोड़ करके कुछ डिफरेंट करना है, ग्लैमर इंडस्ट्री में कदम रखना है, पानी वाली जगह शिफ्ट हो सकते हैं। इस समय बदलाव बड़े लेवल का है, खर्चा विल भी देयर। हो सकता है आप अगेंस्ट धर्म भी काम करें, स्पेशली मैं बात कर रही हूँ आपके रिलेशनशिप की, बट आपको फ्रीडम चाहिए ना। 12th हाउस है कंप्लीट फ्रीडम, अब हो गया जो हो गया, गेट लेट्स गो, इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। सेस्टिस वालों की बात कर रही हूँ, आपकी वीनस ट्रांसिट करें 11th हाउस में। इस समय आप अपने घर से बाहर जा कर के बड़े लेवल के नेटवर्क में एंट्री करना चाहेंगे और आप करेंगे भी। आपको सडनली लगेगा कि मैं मेरे घर में, काम में, चीज़ों में, रूटीन चीज़ों में, बहुत पैटर्न में फंसा हुआ हूँ, या मैं मेरे मन में बहुत फंसा हुआ हूँ। ऐसे तो ना इंसान के थॉट में फंसा हुआ रहता है बहुत, एकदम एक कुछ भी नया काम करने से डरता है, सडनली उसको किस तरह का कोई फोबिया होता है सोच में, या नहीं एंजाइटी आ जाती है लोगों से मिलने में, पब्लिक इमेज में, सोशल एक्टिव नहीं होता। सडनली आप ऐसा काम करने वाले हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा सोशली एक्टिव होंगे। इस समय आप नया नेटवर्क में एंट्री करेंगे और आप बहुत कंफर्टेबल फील भी करेंगे। अपनी इनसिक्योरिटी से बाहर निकलने का समय है। सजेस्टेड सोनों की बात करें, आपको लगेगा कि यही मेरी लाइफ है, मतलब अब मैं जो नई जिंदगी बदल रहा हूँ वो बहुत अच्छी ज़िंदगी है, और आप बहुत ज़्यादा गुड फील करेंगे। डिज़ायर कैसे बैठे हैं इस समय वीनस आपके, डिज़ायर्स कंप्लीट करेंगे। इस समय पैसे के लिए बहुत अच्छा समय है, नेटवर्क के लिए बहुत अच्छा समय है, आपकी इनसिक्योरिटी से बाहर निकलने का बहुत अच्छा समय है। ग्लैमर वाले जो ग्रुप्स होते हैं उसमें एंट्री कर सकते हैं इस समय, या ऐसे ग्रुप में बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, बहुत ज़्यादा फोटो खिंचवाना, इस तरह की चीज़ों में आप एंट्री कर सकते हैं। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आप सडनली आपको फेम भी मिले, अगर आप इस तरह का कोई रिलेटेड काम करते हैं तो, लाइक सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं पहले से ही, या ग्लैमर से रिलेटेड, या इस तरह की चीज़ें करते हैं, सडनली आपको फेम भी मिल सकता है। बट टाइम इज़ वेरी गुड,
आप अपनी इनसिक्योरिटी चीज़ों से बाहर निकलेंगे, गुड टाइम फॉर यू, नो डाउट। 11th हाउस पे वीनस है, बहुत अच्छा समय, एक्वेरियस आता है यहाँ पर। अब बात करती हूँ मैं कैप्रिकॉर्न्स वालों की, आपके 10th हाउस पे वीनस समय ट्रांजिट कर रहे हैं, इस समय आप हो सकता है कि आपके करियर को या आपकी जो स्टेबिलिटी है आपकी ज़िंदगी की, आपका जो एक वो ना कि मुझे पैसा कैसे कमाया जाता हूँ या मेरी करियर क्या है या मेरा नेचर ऑफ वर्क क्या है, बिजनेस है, जॉब है, जो भी आपका है, उसमें सडनली इस समय आपको चेंजेस आप करना चाहेंगे। आपको लगेगा कि मुझे ये जो पैटर्न है, जो मेरी स्टेबिलिटी है, वो वैसे ही चलने वाली है जो हमेशा चलती नजर आ रही है, ठीक है। सडनली हो सकता है कि आप इसमें बदलाव करें, कुछ सम फैंसी बदलाव हो सकता है, कि आप कुछ ट्रेनिंग करने चले जाएं या कुछ डिफरेंट चीज़ सीखने चले जाएं या ब्रेक ले लें अपने रूटीन करियर से, आई नीड सम ब्रेक। और उसके बाद आप हो सकता है कि नए मित्र बनाएं, घूमें फिरें दुनिया देखने के लिए, सडनली चीज़ों को, नई चीज़ों को सीखना शुरू करें। कोई इंसान है जो इंजीनियरिंग कर रहा है, सडनली आप 2-3 महीने का ब्रेक लेकर के आप फैशन डिज़ाइनिंग करने चले गए, या आप ऑलरेडी से ये काम कर रहे थे तो आपने कहा कि नहीं अब मुझे जॉब नहीं करनी, जॉब छोड़ी ना, वांट टू मुझे ट्रिप लगानी है, और निकल गए दोस्तों के साथ घूमने के लिए। ये वो कॉम्बिनेशन होते हैं जब इंसान सडनली चीज़ों को छोड़ करके नई चीज़ों में ऑप्ट कर लेते हैं, जो आज तक करते आ रहे चीज़ों को बदल दें। ट्रैवलिंग इज देयर, नो डाउट, नई चीज़ें इज देयर, न्यू चीज़ें सीखेंगे, बदलाव करेंगे अपने आप में, और ब्रेक इज देयर, ब्रेक करेंगे अपने पैटर्न में, आपके करियर में इसमें ब्रेक करेंगे, बट आप चाहेंगे कि मैं ऐसा करूँ। उसकी वजह से आपको नए नए लोगों से आपका मिलना जुलना, कम्युनिकेशन बढ़ना, हो सकता है कि इस समय आप जो रूटीन जॉब कर रहे थे, जा रहे हैं, सब सडनली उन सबको छोड़ के आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाए, कोई इन्फ्लुएंसर बन जाए या फिर कोई यूट्यूबर बन जाए, उसमें काम करना शुरू कर दें कि मुझे तो इसमें जाना है, एंड यू विल डू दिस एंड यू फील वेरी कंफर्टेबल ओवर देयर, क्योंकि वो रूटीन जॉब, सुबह 10 बजे गया, 5 बजे आया, काम धंधा, लैपटॉप, इन सब चीज़ों से, मीटिंग्स, इन सब चीज़ों से आप ब्रेक करने वाले हैं। आप सैटर्न की प्लेस को छोड़ेंगे इस समय, सैटर्न है यहाँ पर 10th हाउस। एक्वेरियस वालों की बात करी, आपके ये 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, इस समय आप कहीं ना कहीं अपने जो आपका घर है, जो आपका घर का जो रूटीन है, लिनिएज है, फूड है, उन सब चीज़ों को छोड़ करके सडनली आपको लगेगा कि मुझे अब नए तरीके की चीज़ों को सीखना है। मैं आपकी पढ़ाई की बात करूं, वीनस आपके 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, वहाँ पर जगह है जुपिटर की, लेकिन वीनस यहाँ आकर के आपको एक अलग दिशा दे रहे हैं, आपके ज्ञान को एक अलग दिशा दे रहे हैं। इस समय आप जो भी ज्ञान प्राप्त करेंगे उसको अपनी फैमिली से परे आपका जो पैटर्न है वो चेंज होगा। आपकी फैमिली चाहती है कि आप डॉक्टर बने, आप कहेंगे नहीं मुझे डॉक्टर नहीं बनना, मुझे डांस सीखना है, मतलब बिल्कुल अलग तरीके से। और अगर सेम चीज़ सीखेंगे तो आपका पैटर्न बहुत अलग होगा, फूड चेंज करेंगे, चीज़ें बदलेंगी, बदलाव की हवाएं इस समय आ रही है, रहने का तरीका, बात करने का तरीका इस समय बहुत ज़्यादा आप बदलेंगे। हो सकता है नई लैंग्वेज स्टार्ट कर लें सीखना, या फिर आपके कोई गुरुजन हो सकता है बदले और आपको नया पाथ दिखाएं कि आपको कैसे जीना है। इस समय आपको सडनली लगेगा कि आपको जो आज तक डिग्री ली है या आज तक जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो कर रहे हैं या करेंगे, उन सब चीज़ों में आपको एक फैशनेबल स्टाइल से आप आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कोई टीचर है, टीचिंग कर रहा है, टीचिंग की जॉब में भी समझ जा सकते हैं, नो डाउट, तो हो सकता है कि उसके रहने का तरीका अलग है, बात करने का तरीका है या पढ़ाने का तरीका ही अलग है, इस तरह की चीज़ें बदलेंगी। जुपिटर इज देयर, शुक्र इज देयर, बट पैटर्न इज डिफरेंट, क्योंकि स्वाति नक्षत्र है। सडनली आपको फ्रीडम फील होगी कि नहीं, आई कैन डू द थिंग्स। फाइनली बात करते हो पाइसिस वालों की, आपके ट्रांजिट कर रही है 8th हाउस में। इस समय आप कुछ ऐसी चीज़ों को स्टार्ट करने वाले हैं जिसको स्पेशली रिलेशनशिप की बात इस समय कर रही हूँ, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएगी जिसको कि आप दुनिया से छिपा कर भी करेंगे। पैसे जोड़ने की बात कर लूँ, कोई नई डील की बात कर लूँ, पढ़ाई की बात कर लूँ, रिलेशनशिप की बात कर लूँ, या आपके बिजनेस की बात कर लूँ, हर तरह के 1st हाउस में राहु ट्रांजिट कर रहे हैं समय आपके, ठीक है, 8th हाउस में वीनस है। कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि मेरी जो लाइफ है उसको मैं क्या खाता हूँ, क्या पीता हूँ, कौन सा बिजनेस है, कितना कमाता हूँ, किससे बात करता हूँ, क्या मेरा ग्रुप है, किस, सब चीज़ों को इस समय छुपा करके रखेंगे और वहाँ पर आपका अलग से तरीका स्टार्ट करने वाले हैं। इस समय हो सकता है कि आप इस साथ ऐसे इंसान के साथ इन्वॉल्व हो जाएं जो कि अब यू आर वेरी कंफर्टेबल विद दैट पर्सन, लेकिन आप उसको दुनिया से छुपा करके रखें। इस समय आप अपने मनी मैटर्स को भी छुपा करके रखेंगे, जो आप अर्न करते हैं,
इससे हो सकता है कि आपकी सडनली पब्लिक इमेज में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए और यू एक चीज़ होती है पाइसिस वालों को कि आपको सडनली ऐसा लगे कि बहुत इनसिक्योरिटी वाली चीज़ें हो सकती है। पब्लिक इमेज को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी चीज़ों को जो है इंसान छुपा के रखता है, बताता नहीं है रहस्यमय चीज़ों को कि मुझे दुनिया को पता चल जाएगा तो बदनाम हो जाऊंगा, मेरे घर वालों को पता नहीं चलना चाहिए, ये जो मैंने पैसा छुपा के रखा है ये बस मेरे लिए ही है। 8,000 हिडन थिंग्स है ना, जहाँ आप चीज़ों को एकदम छुपा के कोने में रख देते हैं, खड्डा खोद के गाड़ देते हैं, वहाँ पर कुछ चीज़ों को आप ऐसा करने वाले हैं लेकिन उसकी वजह से यू फील वेरी इनसिक्योर। आपको एंजाइटी वाली स्थिति हो सकती है, सडनली आपको लगेगा कि चीज़ें जो है आपको डर डर के जीने वाली स्थिति हो सकती है आपकी, इस तरह के थोड़ा निगेटिव चेंजेस जिसमें आपको फील हो सकते हैं, एक एंजाइटी वाला लेवल आ सकता है कि दुनिया को पता नहीं चल जाए मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, हिडन थिंग्स को लेकर के आप बहुत ज़्यादा डरे हुए रहेंगे लेकिन छिपा के भी रखनी है, बाहर आ गई तो पब्लिक इमेज खराब हो जाएगी क्योंकि लिब्रा है। इस तरह की दो चीज़ें इस समय आपकी हो सकती है। पाइसिस वालों की बात करूँ, अगर ऑलरेडी से आप ऐसा करते हैं तो इसको ना करें, जो है उसका आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो छोटा सा वीडियो था आप सभी के लिए, और वीनस ट्रांसलेटिंग इनटू द स्वाति नक्षत्र। फ्रीडम इज देयर, इंडिपेंडेंसी इज देयर, बट किस लेवल पर है वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। सडन चीज़ें बदलेंगी इस समय बहुत हाई लेवल पर, स्पेशली रिलेशनशिप की बात करें। कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड ब्लॉग्स एंड